अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमारा ग्रुप बन गया, बस हम इंशाल्लाह मंडे से पहले हम अपना प्रोजेक्ट के नेम जो हैं वो आपको लाइक कमेंट में करके फाइनल करवा देंगे। चलिए सर, हम रिसर्च कर रहे थे कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे तो ज़्यादा प्रोजेक्ट बचे ही नहीं है ना तब। हम आपका आज सैटरडे आ गया ना, तो मंडे से पहले का मतलब है आप बस ये कल तक आप कर दो, यस सर ठीक है? इंशाल्लाह। तो ये कल के दिन तक आप कर लो ये, फिर इंशाल्लाह तालिब कर लेंगे कल के दिन तक का। तालिब इंतजार कर लें, कल शाम को आप कर दीजिएगा अपलोड दोबारा। सर प्रोजेक्ट का वही कमेंट पे करना है सर। वन मोर थिंग के क्या हम अपने तरफ से भी एक्स्ट्रा टॉपिक ला के कर सकते हैं? एक्स्ट्रा हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करो, मुझे एक वॉइस मैसेज करके बताओ थोड़ी तफसीलात उसकी, तो फिर मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रपोजल भी सबमिट करवाना है क्या? आपने प्रोजेक्ट ले लिया या अभी लेंगे? सर ले लिया है, कमेंट कर दिया हमने। नहीं, प्रपोजल सबमिट नहीं कराया, बस सही है, बस उसमें जो लिखा हुआ है वो चीजें पूरी कर लिया। सही सर। अच्छा, ये आशिर कौन से आए हैं अभी? आशिर ही नाजमी है या वो भी वो है, मजीद है? आशिर मजीद, आशिर मजीद, ठीक। अच्छा, ये स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। हमारा जो है ना वो चैप्टर स्केड्यूलिंग का चैप्टर चल रहा था, और लास्ट क्लास में मेरे ख्याल में हमने शॉर्टेज जॉब फर्स्ट तक कर लिया था। क्विज आप बताएं, आप लोगों को क्विज दे रहे हैं आज या आप पीर को ले? कमेंट में लिख दें। मंडे को सर, मंडे। अच्छा, मंडे को जो कमेंट में कर दें, जो जो कह रहे हैं कि मंडे को है वो कमेंट में कर दें, जो आज कह रहे हैं वो आज लिख दें। एक स्टूडेंट ने आज का कहा है, ठीक है, माफूर ने और पता है मंडे, तैमूर मंडे कह रहे हैं, ये भी मंडे कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने पोस्ट किया हुआ था ना कि नेक्स्ट क्लास में क्विज है। हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में शेड्यूल क्लास को कह रहा था, ये तो मेकअप आ गई बीच में। ठीक है, नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर सही है, मंडे को ही करेंगे क्योंकि आज तो एब्सेंटीज भी ज्यादा है, और थोड़ा सा और सैटरडे हो सकता है कि किसी किसी का जेन्युइन रीजन हो, तो मंडे जो शेड्यूल क्लास होगी उसी में लेंगे क्विज। ये हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये हमने कर लिया था। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, एक तो लोकल मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा लो हो रहा है। अब सही है आवाज? जी सर, अब थोड़ी बेहतर है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट हमने कर लिया था, ठीक है, और राउंड ये भी कर लिया था हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। शेड्यूल एल्गोरिथम लास्ट क्लास में कर रहे थे, और हमने ये देखा था कि शेड्यूल एल्गोरिथम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर जो पहला प्रोसेस आएगा वो पहले चलेगा। अब P1, P2, P3, P1 का टाइम 24 था, P2 का 3, P3 का 3, तो 24 चूंकि एक बड़ा टाइम पीरियड है,
इसका बस टाइम बढ़ा है P1 का, प्रोसेस 1 का। तो अगर ये शुरू में आ गया तो बाकी जितने थे P2 और P3 वो वेटिंग में आ गए, उनका वेटिंग टाइम बढ़ गया। इसको कहते हैं कन्वाय इफेक्ट, ठीक है। ये कन्वाय इफेक्ट यहाँ पर मैंने लिखा है। तो एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ने की वजह से, अब देखो यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम ने कैलकुलेट किया था सबका 17 आया था, और ये इस वजह से हुआ एवरेज वेटिंग टाइम इसलिए बढ़ गया क्योंकि P1 जो है, जो बड़ी जॉब थी वो शुरू में आई, तो छोटी जॉब जो है वो बाद में आई, तो छोटी जॉब जो है उनका वेटिंग टाइम बढ़ गया। ये कन्वाय इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। कन्वाय इफेक्ट जो है डिसएडवांटेज है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। और यहाँ पर ये दिखाया गया है P2 P3, आप P2 पहली जॉब छोटी थी, दूसरी जॉब भी छोटी आ गई, P3 दोनों 3-3 सेकंड की है, और P1 आखिर में आई 24 सेकंड की। तो इससे क्या हुआ कि अब एवरेज वेटिंग टाइम कम है, 3 है ना। पिछली स्लाइड में देखो 17 था, यहाँ 17 था एवरेज वेटिंग टाइम, और यहाँ कितना हो गया 3। क्यों हो गया कम? क्योंकि छोटी जॉब पहले आ गई, इनको इंतजार नहीं करना पड़ा, बड़ी जॉब को सिर्फ इंतजार करना पड़ा, और उसको कम इंतजार करना पड़ा क्योंकि जो शुरू में जॉब्स थी वो छोटी थी इस वजह से। लास्ट टाइम चैप्टर ये मैंने शुरू में ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये शुरू नहीं कराया था मैंने, लास्ट क्लास में शुरू नहीं करवाया था आप लोगों को? एक मिनट देख लेता हूँ। अच्छा नहीं करा, अच्छा हुआ बता दिया भाई। अच्छा यानी कि ये चैप्टर मेरा स्टार्ट ही नहीं किया था। वैसे मैं 2 आईडीज पढ़ा रहा हूँ ना, वो मेरे जहन में वो था कि अच्छा शुरू से पढ़ाना पड़ेगा भाई। CPU scheduling, ये मैंने ये बता दिया था लास्ट क्लास में, CPU bound process, IO bound process और short term scheduler, ये dispatch latency नहीं बताया था। अच्छा ठीक है, तो अच्छा क्या बता दिया, वरना तो मैं समझ गया था शायद वहां से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये चैप्टर शुरू से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अच्छा बता दिया आपने, वरना सबका नुकसान हो जाता। अच्छा जी, सीपीयू स्केड्यूलिंग, ये हम यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर बुक में चैप्टर 6 है ये। और ये CPU scheduling जो है वो एक्चुअली इसमें हम यही पढ़ेंगे कि जो है वो प्रोसेस आते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेस आ रहे हैं, तो मल्टीपल प्रोसेस के अंदर पहला प्रोसेस कौन सा चलेगा और फिर दूसरा प्रोसेस कौन सा चलेगा, यानी कि स्केड्यूलिंग कैसे होंगी। तो जिस जो स्केड्यूलिंग टेक्निक होगी उसी को जो है वो उसी के हिसाब से जो है प्रोसेस जो है वो चलेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम मल्टीपल स्केड्यूलिंग टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं ये इसके टॉपिक्स हैं। इसके अंदर कुछ 2-3 टॉपिक्स तो खैर हम नहीं करेंगे, हमारे आउटलाइन में नहीं है, जैसे ये हमारी आउटलाइन में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पर यहाँ तक ही है, ठीक है। तो ये मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग यहाँ तक कर लेंगे। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स इसके यही हैं कि जाहिर है CPU scheduling क्यों करते हैं, ताकि जो मल्टीपल प्रोसेस है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मल्टीपल प्रोसेस जो है वो उनको किस तरह से जो है वो मल्टीपल प्रोसेस को किस तरह से चलाया जाए, क्योंकि एक प्रोसेस नहीं है मल्टीपल है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से प्रोसेसेस को चलाएगा, उनकी स्केड्यूलिंग करना हमें सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, और इसके एल्गोरिदम पढ़ेंगे, मुख्तलिफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। और अभी देखेंगे कि कौन सा स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम बेहतर है, किस क्राइटेरिया के अंदर कौन सा स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम बेहतर है, ठीक है ना। और इसको हम मतलब एग्जामिन करेंगे, तो यानी कि सारा कुछ हम स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा जी, बेसिक कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मैक्सिमम सीपी यूटिलाइजेशन ऑप्टेन विद मल्टीपल प्रोग्रामिंग, विद मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। हम मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, एक से ज्यादा प्रोसेस है, जब एक से ज्यादा प्रोसेस है तो जाहिर है P1, P2, P3, P4 एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो मौजूद है। और ये मैं रैम का वो बना रहा हूँ, P2, P3,
P4 समझो मल्टीपल प्रोसेस मौजूद है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। कि मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है कि मल्टीपल प्रोसेस मौजूद है और हम क्या चाह रहे हैं, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन चाह रहे हैं कि सीपीयू ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोसेसिंग में अपना टाइम गुजारे। और तो स्केड्यूलिंग जो है वो हमें ऐसे करनी होगी कि मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइज हो। अब दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक तो सीपीयू आईओ प्रोसेस होते हैं, सीपीयू आईओ प्रोसेस कहलाते हैं, और जो है यानी यहाँ पर लिखा सीपीयू आईओ बस साइकिल। सीपीयू आईओ बस साइकिल का मतलब क्या है, दो तरह के बस्ट होते हैं, एक सीपीयू बस्ट होता है, एक आईओ बस्ट होता है। सीपीयू बस्ट का मतलब है कि कोई इंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है, लोड स्टोर, लोड करो स्टोर को, ऐड करो स्टोर, स्टोर एक वेरिएबल है, ठीक है, रीड फ्रॉम फाइल, कुछ इंस्ट्रक्शन चल रही है बैकग्राउंड में, तो ये कहलाती है सीपीयू बस्ट। फिर अगर वेट किया किसी आईओ का, कीबोर्ड का, माउस का, किसी चीज का वेट किया, तो ये आईओ का वेट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं आईओ बस्ट। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन चली, आईओ किसी ने दे दिया कीबोर्ड से, माउस से क्लिक कर दिया, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन चली, ये कहलाता है सीपीयू बस्ट। फिर आईओ बस्ट आ गया, ठीक है, हार्ड डिस्क के लिए वेट कर रहा था, हार्ड डिस्क जो है ना उसके ऊपर कुछ सेव करना था, उसके लिए वेट कर रहा था, फिर सीपीयू बस्ट आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सीपीयू बस्ट और आईओ बस्ट, ये इन दोनों को मिला के बनती है सीपीयू आईओ बस साइकिल। तो सीपीयू आईओ बस साइकिल के अंदर आप देख रहे हो वेटिंग टाइम है, ये रहा वेटिंग टाइम, ये आईओ के लिए वेट कर रहा होता है। तो जब तक वो आईओ के लिए वेट कर रहा होता है, उस वक्त सीपीयू को कुछ काम दिया जाता है कि भाई तुम जब तक वेट कर रहा है, जब तक कोई आईओ नहीं मिल रहा, उस वक्त तक कुछ आप ये काम कर लो। तो स्केड्यूलिंग इसलिए भी जरूरी है कि सीपीयू फारिग ना हो, वो कुछ ना कुछ जो है ना वो प्रोसेस को चलाता रहे, स्पेशली जब वेटिंग टाइम आईओ का हो, तो उस टाइम भी सीपीयू कुछ ना कुछ प्रोसेस को चला रहा हो बैकग्राउंड में। तो ये मेन असल में इसका कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें सीपीयू स्केड्यूलिंग करेंगे तो हमारा सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज होगा। अब यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि बस ड्यूरेशन मुख्तलिफ होती है, हिस्टोग्राम दिखाया है सीपीयू बस टाइम का। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर एक बस्ट आया, ठीक है, यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन चली तो सीपीयू ने दिखा दिया ज्यादा ज्यादा ग्राफ के ऊपर अंदर आके, फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शन कम चली तो नीचे हो गया ये ग्राफ। तो ये दिखा ये रहा है कि मुख्तलिफ बस्ट आते रहते हैं, कभी सीपीयू ज्यादा बिजी होता है और कभी सीपीयू कम बिजी होता है। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो सीपीयू कोई प्रोसेस में ज्यादा चला रहे होते हैं, सीपीयू ज्यादा बिजी हो जाता है, जब कम प्रोसेस चल रहे होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूं, जैसे अगर हम अल्टर कंट्रोल डिलीट करके टास्क मैनेजर में मैं आ गया, और विंडोज में भी और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, देखो यहाँ दिखा रहा है ना सीपीयू स्केड्यूलिंग दिखा रहा है, यहाँ कोई बस्ट आया, फिर मैंने ये टास्क मैनेजर खोला था तो ये ज्यादा बस्ट आ गया और ये अब नीचे स्लो होता जा रहा है। अब मैं कोई भी क्लिक करूंगा, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया तो अगर यहाँ स्केड्यूलिंग देखें, कोई भी अगर मैं कोई फंक्शन खोलता हूँ, कोई किसी नई फाइल को खोल रहा होता हूँ, जैसे मैंने ये पीडीएफ को खोल लिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आ जाएगा दोबारा। तो इस तरह से हम कुछ भी काम कर रहे होंगे, बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो ये जो है ना इस, तो कभी कभी सीपीयू बस ज्यादा होता है, कभी सीपीयू बस कम होता है। तो इसको यहाँ पर इसने हिस्टोग्राम में यहाँ दिखाया स्लाइड में। तो बारह ये तो सीपीयू कभी दिखाया, ये सीपीयू कभी ज्यादा बिजी होता है, सीपीयू कभी कम बिजी होता है, जब ज्यादा प्रोसेस आ जाते हैं या कोई ऐसा प्रोसेस आता हैवी प्रोसेस तो वो सीपीयू की इसके अंदर ज्यादा कंजप्शन होती है, जब लाइट प्रोसेस होते हैं या नहीं होते तो सीपीयू बिल्कुल डाउन हो जाता है उसकी कंजप्शन। तो जब सीपीयू डाउन हो जाता है इसकी कंजप्शन कम है, उस वक्त जो है इसको बिजी करने के लिए कुछ को काम दिया जाना चाहिए ताकि सीपीयू ज्यादा से ज्यादा हमारा बिजी रहे। ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे पता चलता है कि स्केड्यूलिंग करना जरूरी है ताकि सीपीयू फारिग ना बैठे, सीपीयू जो है वो जो प्रोसेस बैकग्राउंड में पेंडिंग में वो चलते रहे और सीपीयू उनको जो है चलाता रहे। अच्छा जी, सीपीयू स्केड्यूलर एक होता है जो कि स्केड्यूलिंग करता है। तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की हम अगर बात करें,
shorter scheduler selects from among the processes in the ready queue and allocate the CPU to one of them. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम क्या है कि जो आपके रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस है, रेडी क्यू का मतलब क्या है, जो रैम में है, जो प्रोसेस रैम में है, ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ, रैम रैम में इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस है, ठीक है, पी वन पी टू पी थ्री पी फोर, तो ये मल्टीपल प्रोसेस जो है जो रैम में अंदर मौजूद है, हम इसको कहेंगे ये रेडी क्यू है, ठीक है, जो रैम में मौजूद है वो रेडी क्यू में है, तो जो रेडी क्यू में प्रोसेस है उनको क्या करता है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर कि वो उसको उनमें से सिलेक्ट करता है रेडी क्यू से, ये रेडी क्यू है, ठीक है, ये रैम के अंदर जो प्रोसेस है रेडी क्यू में अभी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो सीपीयू इनमें से कौन सा प्रोसेस चलेगा ये जो है डिसाइड करता है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। ये तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस चलेगा, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने P2 को पिक कर लिया और P4 को पिक कर लिया, P2 और P4 ये प्रोसेस अब चलेंगे, CPU इनको चलाएगा, क्यों इनको चलाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने इनको पिक किया है, तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर रेडी क्यू में से उठा के जिसको पिक करेगा CPU को एलोकेट करने के लिए, तो वही प्रोसेस चलेंगे, तो ये काम है सीपीयू स्केड्यूलर का या सीपीयू शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का, ठीक है, तो अब इसमें सीपीयू यहाँ पर ही एक्चुअली शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के लिए सारी स्केड्यूलिंग होती है, सीपीयू स्केड्यूलर जो है वो यूज होते हैं, इसमें एल्गोरिदम चल रहे होते हैं, ये मैंने जो पिक किया है पी टू और पी फोर, उसके पीछे कोई क्राइटेरिया होगा, ऐसे ही पिक नहीं किया इसने, इसने कोई क्राइटेरिया होगा, कोई एल्गोरिदम होगा जिसके बिहाफ पे उसने पी टू और पी फोर को पिक किया, तो कहने का मतलब ये है कि कोई क्राइटेरिया होता है जिसके बिहाफ के ऊपर जो है वो रेडी क्यू में से प्रोसेस को उठा के सीपीयू को दिया जाता है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ये काम करता है। टेस्ट कितने बजे होगा, उसामा मीर पूछ रहे हैं, उसामा टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्विज नहीं होगा, अगली क्लास में हम मंडे को लेंगे। सर कौन सा टेस्ट, ये असामा मीर पूछ रहे हैं कोई टेस्ट होगा, तो मैंने कहा भाई टेस्ट तो कोई ना क्विज हो तो होगा वैसे, लेकिन वो मंडे को। सही है सर, बस वो मैं पूछ रहा था, आपने बोला था ना अगली क्लास में होगा तो इसीलिए कंफर्म कर रहा था। सही, थैंक यू। अच्छा देखो, सीपीयू स्केड्यूलिंग डिसीजन में टेक प्लेस व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, ठीक है, यानी कि जब प्रोसेस, ये आपको पहले बता चुका हूँ, प्रोसेस चलते चलते रोक दिया जाता है तो हम क्या कहेंगे, रनिंग से वेटिंग स्टेट में चला गया, और फिर रनिंग से वेटिंग स्टेट में भी जा सकता है। वेटिंग का मतलब क्या है कि आईओ के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, तो वो वेटिंग स्टेट आती है, या चलते चलते सीपीयू रनिंग से रेडी की स्टेट में भी आता, चलते चलते उसको दोबारा से रैम में रख दिया गया कि अब उसको इंतजार करवाया जाएगा किसी भी वजह से, या स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी, वेटिंग स्टेट से दोबारा से रेडी स्टेट में आ गया, ठीक है, तो ये, और या फिर जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो टर्मिनेट हो गया, या उसको जबरदस्ती टर्मिनेट कर दिया गया, तो ये वो कुछ क्राइटेरिया है जिनके ऊपर सीपीयू की स्केड्यूलिंग होती है, इनकी इस बिहाफ पे सीपीयू की स्केड्यूलिंग कर सकते हैं कि इन क्राइटेरिया के बिहाफ पे, तो उसमें लिखा है वन और फोर जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है, ये वन और फोर ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, जबकि टू और थ्री जो है वो क्या है, प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि रिसोर्स छीनी नहीं जाए, जो कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, यानी कि प्रोसेस को कंप्लीट होने दिया जाए, प्रोसेस से रिसोर्सेज छीनी ना जाए, उसको कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, अगर प्रोसेस से रिसोर्सेज ले ली तो उसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव, नहीं ये मैं ख्याल में लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ, तो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दो कॉन्सेप्ट है, नॉन प्रीएम्प्टिव है कि रिसोर्सेज वापस नहीं ली जा रही, टाइम दिया जा रहा है कि पहले प्रोसेस टू वन कंप्लीट हो, जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर वो अगले प्रोसेस को चलाया जाएगा, बीच में चलते चलते प्रोसेस को रोकेंगे नहीं, इसको कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है, जबकि प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, प्रोसेस चल रहा है उसको चलते चलते बीच में रोक दिया गया, 10% चला था रोक दिया, अब दूसरा प्रोसेस चला दिया, उससे रिसोर्सेज छीन के पी वन से प्रोसेस छीन के पी टू को दे दी,
इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव। ये दोनों क्लियर है ना, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव? सर दोबारा बताएगा सर। नॉन प्रीएम्प्टिव, जैसे मैं नॉन प्रीएम्प्टिव के एग्जांपल दे रहा हूँ, भाई प्रिंट आउट के लिए 100 पेजेस भेजे, ठीक है, 100 पेजेस प्रिंट आउट के लिए भेजे। अब दूसरा ये प्रोसेस वन है, एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। प्रोसेस वन है, उसने 100 पेजेस भेजे प्रिंट आउट के लिए। फिर प्रोसेस टू था, उसने भी भेजे, उसने 50 पेजेस भेजे प्रिंट आउट के लिए। लेकिन अब चूंकि पहली रिक्वेस्ट P1 की आई थी, तो P1 के पेजेस निकल रहे थे, तो अब P2 वेट करेगा। P2 वेट करेगा जब तक के 100 पेजेस पूरे नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक P2 की बारी नहीं आएगी। ये कहलाता है नॉन प्रीएम्प्टिव, के जब तक पहला अपना काम मुकम्मल ना कर ले, उस वक्त तक दूसरा इंतजार करेगा, उससे छीना नहीं जाएगा जबरदस्ती के भाई P2 आ गया, P2 जो है ना वो फैकल्टी की रिक्वेस्ट आई है, तो प्रिंटिंग की ये P1 स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी, तो स्टूडेंट के रोक के फैकल्टी के निकाल दो प्रिंट आउट, ऐसा वो नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव क्राइटेरिया। नॉन प्रीएम्प्टिव में रिसोर्स छीनी नहीं जाती, कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरे की बारी आती है, ठीक है, ये होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। जबकि प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि P1 ने 100 पेजेस का प्रिंट आउट दिया, अभी इसने तकरीबन 30 पेजेस ही निकाले थे, ठीक है, 30 पेजेस ही निकाले थे कि P2 आ गया, P2 हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, उसने कहा कि मुझे प्रिंट आउट निकालना, तो वो उसको रोक देगा, 30 के बाद रोक देगा, कहेगा आप इसके निकाल के पहले पूरे करूंगा 50, फिर इसकी बारी आएगी, क्योंकि ये जो P2 है ये हाई प्रायोरिटी पर है। इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव, के पहले को रिसोर्स छीन के दूसरे को दे दे, ये होता है प्रीएम्प्टिव। अब क्लियर हो गया प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव? नॉन प्रीएम्प्टिव पर रिसोर्स छीनी नहीं जाती, कंप्लीट करने का मौका दिया जाता है हर प्रोसेस को, फिर दूसरे प्रोसेस की बारी आती है, जबकि प्रीएम्प्टिव में पहले प्रोसेस की रिसोर्सेज को छीन के दूसरे को दे दिया जाता है बीच में रोक के, ये प्रीएम्प्टिव होता है। क्लियर हो गया प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव, आगे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम इन दोनों को देखेंगे। हम यहाँ को प्रीएम्प्टिव की एग्जांपल दिखा रहे हैं, कंसीडर एक्सेस टू शेयर्ड डेटा, कोई डेटा शेयर्ड किया हुआ है, ठीक है, तो जब शेयर्ड डेटा होगा, कोई मैंने फाइल लग दी है फॉर एग्जांपल नेटवर्क पे, जैसे PF3 आपका कीट के अंदर एक फोल्डर वो है PC है, उसके अंदर जाके हमने किसी फोल्डर के अंदर मैंने वो कोई चीज रख दी, स्टूडेंट सब एक्सेस कर रहे हैं उसको, लेकिन अब उसमें मैंने राइट्स भी दे दिए सबको अगर, तो हर स्टूडेंट शेयर कर रहा होगा, कोई चाहे उसको चेंज भी कर सकता है, ठीक है, तो जब एक चेंज कर रहा होगा दूसरा नहीं कर सकेगा, दूसरा वेट करेगा, तो फिर मैं अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो सबसे रिसोर्सेज लेके मुझे दे दी जाएंगी क्योंकि मैं उसका ऑनर हूँ। ये एक तरह से एग्जांपल दे रहा है कि प्रीएम्प्टिव की के रिसोर्सेज छीन के दूसरे को दे दें, या कंसीडर प्रीएम्प्शन वाइल इन कर्नल मोड। कर्नल मोड में जब होते हैं तो प्रीएम्प्शन होती है, यूजर मोड से कर्नल मोड पे चला जाता है, कोई भी ऐसा टास्क जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए यूजर मोड से यूजर से रिक्वेस्ट रिसोर्सेज लेके कर्नल मोड पे ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज ले लेता है, और वो फिर जैसे हमने देखा भी था पहले, ठीक है, मोड बिट के जरिए से यूजर मोड पे कर्नल मोड पे आ गए, और कर्नल मोड पे फिर काम यूजर मोड को रोक दिया गया, कर्नल मोड को चला दिया गया, और वहां पर फिर सारी चीजें, तो इस तरह ये भी प्रीएम्प्शन कहलाता है, ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज लेके जो है वो यूजर मोड से रिसोर्सेज लेके कर्नल मोड को दे दी गई, तो ये भी प्रीएम्प्शन की एक एग्जांपल आ गई। इसका तीसरी एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं इंटरप्ट्स, ठीक है, माउस से कुछ क्लिक कर दिया, कीबोर्ड से प्रेस कर दिया तो इंटरप्ट हो गया, तो इंटरप्ट की सूरत में भी सारे प्रोसेस रोक के इंटरप्ट वाला काम किया जाएगा, क्योंकि इंटरप्ट हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होता है, इसमें भी प्रीएम्प्शन होती है, रिसोर्सेज जो चल रहे होते हैं, प्रोसेस जो चल रहे होते हैं उनको रोक के उसकी इंटरप्ट की रिक्वेस्ट पूरी की जाती है, ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी आ गई प्रीएम्प्शन की यहाँ पर दी। अच्छा, एक 20 हो रहा है तो ब्रेक ले लेते हैं, नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिस्पैचर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो तकरीबन 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 20-25 मिनट भी लग जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास, इंशाल्लाह 3:30 तक चलेगी क्लास। सर ये 2:50 तक किया? नहीं, 2:50 1:50 से पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो 1:50 तक जाएगा मैक्सिमम।
ठीक है, फिर 50 से 3:30 तक कंटिन्यू क्लास चलेगी। मीटिंग एंड कर रहा हूँ।